वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ शेयर के बारे में। सबसे पहले मैं यहां नाम लिखता हूं जिसका नाम है कैल्टोन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका जो प्राइस है आपके सामने ही है, जो करीब 69 रुपीज़ 20 पैसे इसका प्राइस है। और अब इसका देखो, इसमें है ना कुछ टाइम से बहुत बड़ी गिरावट आ रही है। आप देखो करीब 11 जून को इसका प्राइस 88 रुपये के आसपास था, उसके बाद लगातार इसमें एक अच्छी खासी गिरावट आई है और आज की डेट में आपके सामने इसका प्राइस है 69 रुपीज़ 20 पैसे। अब एक बार हम देख लेते हैं कि इसके लेवल देख लेते हैं। जैसे हम फोरकास्ट के ऊपर आए हैं, देखो किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद नहीं है इसके ऊपर। अब देखते हैं फाइनेंस, जैसे फाइनेंस के ऊपर आए हैं 2018, 2019, 2020 और 2021, आप देखोगे इनका जो रिवेन्यू है 2018 में से कंपेयर करो 2019 में बढ़ा था, पर 2020 में थोड़ी कमी आई है और 2021 में कंपेयर टू 2020 में थोड़ा बढ़ा है। पर ओवरऑल देखो थोड़ा इनका ना जो आप ग्राफ बनाओगे इनके रिवेन्यू का तो थोड़ा अप डाउन में है। अब देखते हैं नेट इनकम, देखो छोटी कंपनी है और जो अगर एवरेज निकाल लोगे इसकी जो इनका नेट इनकम है, तो जिस तरह इनका जो अगर ग्राफ बनाओगे आप, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा ऐसा, ठीक, कभी ज़्यादा है कभी किसी ज़्यादा हो गया, तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। पर ये कंपनी प्रॉफिट में है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं होल्डिंग, देखो प्रमोटर की होल्डिंग, देखो कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। मैं कैसा बता सकता हूँ ये, इसलिए एक टाइम में इस कंपनी ने सितंबर 2020 में अपने 19% शेयर गिरवी रखे थे और लगभग जो शेयर इसने गिरवी रखे हैं उसे इसने बायबैक कर चुका है। आज की डेट में इसके 6.6% शेयर ही गिरवी पड़े हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड देखते हैं एक बार हम, देखो म्यूचुअल फंड पे जो पैसा था ना के बराबर म्यूचुअल फंड की इसमें होल्डिंग, वो पैसा निकाल चुका है। DI, देखो DI भी अपना पैसा निकाल चुका है। FI ने मार्च में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करी है इसमें, उसके बाद जो बाकी सारा पैसा है वो पैसा है हमारे पास रिटेल का। ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करूँगा तो कंपनी मुझे ठीक लगी, कंपनी अपना डेप्ट कम कर रही है, ठीक है। जो शेयर इसने गिरवी रखे थे उसे भी बायबैक करा है। अब देखते हैं टेक्निकल के ऊपर, ठीक है। अब टेक्निकल के देखो लगातार इसमें देखो एक गिरावट आ रही है और शायद ये गिरावट आगे भी जो चार्ट दिखा रहा है, ठीक है, तो गिरावट आगे भी आ सकती है। पर ये सपोर्ट कहाँ लेगा, एक सपोर्ट आ रहा है करीब 68 रुपीज़ का, आप 68.95 करीब 69 रुपीज़ का एक सपोर्ट है, ठीक है। उसके अगर इसे ब्रेक करता है, ठीक है, एक डाउन साइड में जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 67 रुपीज़ का है, ठीक है। अब इसे ब्रेक करना, 67 को ब्रेक करना थोड़ा इसके लिए मुश्किल है, ठीक है। और अप साइड में जो अगर यहाँ से कहीं भी ये एक अच्छा पुश बैक करता है, ठीक है, इसके दो SL मैं आपको बताता हूँ जो सपोर्ट लेगा, एक तो 66 रुपये 50 पैसे, एक अपना सपोर्ट ले रहा है ये 69 रुपीज़ पे, ठीक है। एक दो इसके सपोर्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर इन सपोर्टों को ये ब्रेक कर गया तभी इसमें बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। पर ये चार्ट पैटर्न जो दिखा रहा है ना, देखो देखो जो चार्ट पैटर्न दिखा रहा है तो इसमें अभी और ज़्यादा गिरावट की संभावना है, ठीक है। पर हमें सपोर्ट पे ध्यान रखना है, अगर कोई नया बायर है तो इसे देखो तभी बाय करना है अगर कल की डेट में ये 70 रुपये के ऊपर जाएगा। अभी करंट प्राइस क्या है इसका, ठीक है, 70 रुपये के ऊपर सस्टेन होएगा ना ये, तभी हमें अपसाइड एक अच्छे मूव की संभावना है पूरी पूरी। पर देखो पर एक जो अगर ये, हाँ वही 70 रुपये का, ठीक है, मैं आपको लेवल बताता हूँ यहाँ पर। अगर कल 11 से 12 बजे बीच में 70 रुपये 15-20 पैसे के ऊपर सस्टेन रहा तब संभावना ये अपसाइड जा सकता है, ठीक है। पर जो डाउन साइड में हमारे पास सपोर्ट आ रहा है, एक आ रहा है 66 रुपये 50 पैसे, ठीक है, ये एक ऐसा है ना पीक है, अगर इसे ब्रेक करेगा तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट आएगी, ये सबसे मतलब ये मेन है, ठीक है। और एक शॉर्ट टर्म का जो हमारे पास एक SL आ रहा है हमारे पास 69 रुपीज़ का, ठीक है, यहाँ एक सपोर्ट लेगा ये, अभी करंट प्राइस क्या है ये है, तो 69 रुपीज़ का हमारे पास सपोर्ट लेगा ये, 69 का सपोर्ट लेगा। और अगर 70 रुपये 20 पैसे के ऊपर सस्टेन रहा तो आपको अच्छा खासा कल की डेट में मूव संभावना ऊपर जा सकता है। पर अभी पैनिक मत होना, क्योंकि आपको जो चार्ट दिखा लगातार देखो एक बैरिश कैंडल ही बनी रही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले शेयर के ऊपर। देखो इस शेयर के ऊपर एक आज अच्छा खासा एक मैं कहता हूँ करीब 9.1% इसने हाई पे अपनी क्लोजिंग दी है, आदित्य बिरला वालों का शेयर है ये। अब इसका हमें देखना टारगेट,
और शायद आपको याद भी होगा अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हो, लास्ट जो फ्राइडे को और सैटरडे को जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने कहा था जो आने वाला हफ्ता को, जो ये हफ्ता चल रहा है ना, ये फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर के शेयर में आप ध्यान रखो, इसमें एक अच्छा मूव आने वाला है। और देखो मैक्सिमम, मैंने कहा सारे मैक्सिमम देखो बैंकिंग सेक्टर के शेयर और फाइनेंस सेक्टर के शेयर, इसमें एक अच्छा खासा मूव आया है। और मैंने कई शेयर के ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि इसमें आपने नज़र भी रखनी है। अब इसके ऊपर बात करते हैं हम उनमें से एक, देखो देखो ये फाइनेंस सेक्टर का शेयर है। देखो सबसे पहले मैं सीधा फाइनेंस के ऊपर आता हूँ, ठीक है। अब फाइनेंस के ऊपर आए हम 2018, 19, 20 और 21, जो उनका रिवेन्यू है लगातार इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है और 2021 के फाइनेंस ईयर में अच्छा खासा रिवेन्यू में एक बढ़ोतरी आई है। और देखो साल 2000 देखो 2018 में इनको प्रॉफिट हुआ था, पर 2019 में प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई थी, उसके बाद देखो लगातार इनका प्रॉफिट भी बढ़ी रहा है। अब देखते हैं होल्डिंग, देखो मैक्सिमम होल्डिंग प्रमोटर के पास है, उसके बाद म्यूचुअल फंड, देखो म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं है, DII की होल्डिंग थी वो पैसा निकाल चुका है, FI की देखो, उसके बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग पड़ी है रिटेल के पास। इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हो तो ये ठीक है, कोई सुनी है, कंपनी काफ़ी स्टेबल है, कंपनी में ग्रोथ भी हो रही है और जेन्युइन ग्रोथ हो रही है, पर अगर आप अभी इसमें पैसा लगाना चाहते हो तो उसके लिए एक बार लेवल देख लेते हैं हम। आप देखो एक अच्छा खासा मूव आया था, ये शेयर अपसाइड गया था करीब 65 रुपीज़ 75 पैसे, पर उसके बाद है ना देखो एक प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर आता ही आता है, तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। पर यहाँ से भी इसने देखो अगर कल की डेट में जो हमारे पास टारगेट आ रहा है, ठीक है, कल की डेट में हमारे पास टारगेट आ रहा है 62 रुपये का SL आ रहा है, और कल की डेट में अगर ये शेयर 63 रुपये 60 पैसे, ठीक है, मैं आपको यहाँ देखो अभी का ये है, आप थोड़ा 62-20 है, आप 62 रुपये 10 पैसे का SL है, अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता है, ठीक है, और ये हमारा SL आएगा, और हमारे पास जो करंट प्राइस यही है इसका, और जो इसका एक रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 63 रुपये 75 पैसे। अगर कल 63 रुपये 75 पैसे के ऊपर सस्टेन हुआ ना शेयर, तो आपको आने टाइम में ये शेयर आराम से एक अच्छा मूव आपको दे सकता है। और जो हमारा टारगेट अभी के लिए टारगेट जो आज का पीक है, आज का पीक हमारे पास क्या है, करीब 65 रुपये प्लस, ठीक है, 65 रुपये प्लस ये आपको जाता दिख सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा लगा, ये हमारे पास टारगेट आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए शेयर, किसी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।